हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल. टुडे वी विल स्टार्ट विद सप्लीमेंटरी रीडर्स इन इंग्लिश फॉर क्लास 10th, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. इन दिस सप्लीमेंटरी रीडिंग यू हैव लेसन्स. It is similar like stories only. So total 10 topics are there, and in all 10 topics there are different stories which we will go through. So today we will begin with the first one, A Tramp of Surgery. Now A Tramp of Surgery is a story related to one dog. Like किस तरह से एक छोटे से डॉग को उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो ओनर है, वो किस तरह से उसको खिलाकर, हैवी फूड देकर उसको और से और ज़्यादा फैट और लेज़ी बना दिया गया. ना ओनर ने ये कुछ जानबूझकर नहीं किया गया. ऑब्वियसली ओनर्स, और वी कैन टेल लाइक parents love their children so much, in the same way here in this lesson a very much love of mistress is shown towards her dog. And dog's name is Tricky. A small dog is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? अब जो मिस्ट्रेस थी डॉग की, वो काफ़ी अमीर थी, तो उसने उस डॉग को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से उसको ग्रो करना चाहा. सो शी गोज ऑन गिविंग ओवर फीड, ओवर फूड ऑल द टाइम, एंड उसको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर किया. यू नो, छोटे से बच्चे को अगर हम हमेशा प्यार करते रहे, हमेशा लव एंड केयर, उसकी मिस्टेक्स पर भी हम उसको ना डांटे, तो ऑब्वियसली वो लेज़ी और ज़िद्दी हो जाता है. इन द सेम वे दिस हैपन के दैट डॉग वॉज ओवर फेड एंड ओवर पैम्पर्ड बाय मिस्ट्रेस, सो दैट डॉग ऑल्सो बिकेम वेरी लेज़ी. इतना ज़्यादा लेज़ी कि उसको ना रनिंग करने का, ना खेलने का, ना ही गार्ड करने का, इवन ना ही खाने का मन हुआ. दैट डॉग यूज़ टू रिमेन लाइंग ऑन द फ्लोर कंप्लीटली, लाइक ही इट डजंट हैव एनी विश टू डू एनीथिंग. ओके, सो लेट अस बिगिन विद दिस स्टोरी. प्लीज़, यू ऑल हैव दिस बुक विद यू, प्लीज़ टेक आउट दिस बुक अलॉन्ग विद मी ओनली. And let us go with word to word and understand what this story tells us. Now this story begins with the writer. Actually the writer is only veterinary surgeon here, that is James Herriot is writer of this story. So James Herriot wo writer bhi hai और वो सर्जन भी है, दैट इज़ वो डॉक्टर भी है एनिमल्स का, जिसने पम्फरी को, पम्फरी दैट इज़ मिसेस पम्फरी इज़ ओनर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी इज़ डॉग, मिसेस पम्फरी इज़ ओनर, एंड हैरिट इज़ डॉक्टर, मिस्टर हैरिट इज़ डॉक्टर. Which now this doctor had already advised Mrs. Pemphery about dog's condition, ke this dog is becoming more and more fat. If I read this, I was really worried about, here I is doctor talking with Pemphery, that is Harriet is talking with Pemphery. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. He has become hugely fat, like a bloated sausage, with the leg at each
कॉर्नर. यू नो बॉडी उसकी ऐसी लग रही थी जैसे पूरी स्वेलिंग हुई हो. ब्लॉटेड सॉजेस मतलब कम्प्लीटली सूजा हुआ, स्वेलिंग हुई हो. तो उसकी जो बॉडी थी वो कम्प्लीटली स्वेलिंग जैसे लग रही थी. हिज आईज ब्लड शॉट एंड रियोमी. हिज आईज वॉज कम्प्लीटली ब्लड शॉट, दैट इज़ ज़रूरत से ज़्यादा ही लाल थी उसकी आँखें. और उसकी आँखों और कानों में से रियोमी मतलब आँखों और नाक में से पानी बहने की सिचुएशन. ओके, के आईज और नोज में से अगेन एंड अगेन पानी बह रहा ऐसा लग रहा था. स्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, दैट इज सीधा ही देख रहा था वो. और उसकी जो जुबान थी वो भी जॉज से नीचे लटक रही थी. नाउ जब हैरिट ने ये सब देखा तो मिसेस पेम्फरी हैसन टू एक्सप्लेन. मिसेस पेम्फरी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हिम. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. So I have been given him some little extras between meals to build him up. Some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. अब जो उसकी रेगुलर डाइट थी उस रेगुलर डाइट के अलावा और भी काफ़ी कुछ पेम्फरी उसको देने लग गई थी. दैट इज़ बिकॉज पेम्फरी को ऐसा लग रहा था कि डॉग कुछ ज़्यादा ही लेज़ी लग रहा है, वीक लग रहा है. तो थोड़ा वो अगर ज़्यादा खाएगा तो उसके बॉडी में न्यूट्रिशन होगा, वो मल न्यूट्रिशन नहीं दिखेगा. सो शी स्टार्टेड गिविंग मोर एंड मोर फूड टू हिम. एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर ने उसको ऑलरेडी एडवाइस किया था कि उसको स्वीट्स कुछ ना दे क्योंकि उसको हैवी होगा. तो ही आस्क्ड हर कि हैव वेदर यू स्टॉप्ड गिविंग हिम स्वीट्स और नो. ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट सो आई कैंट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम. सो दैट इज़ वॉट, जैसे एक माँ को बच्चे से प्यार होता है तो माँ को होता है कि बच्चे की हर एक जिद पूरी हो, तो उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि अब ट्रिकी को केक ज़्यादा, क्रीम ज़्यादा पसंद है. और वैसे भी उसको तो वो बहुत ही वीक लग रहा था. तो शी इवन स्टार्टेड गिविंग हिम केक्स एंड चॉकलेट्स. हालांकि डॉक्टर ने मना किया था लेकिन फिर भी वो उसे दे रही थी. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पेम्फरी हैडंट मैंशनड. सो दिस इज़ वॉट अब यहाँ पर डॉक्टर बोल रहा है. डॉक्टर ने फिर उसको अच्छे से ध्यान से डॉग को देखा. उसको यही लगा कि डॉग जो अपना ग्रेडीनेस है वो कम नहीं कर रहा. ही गोज ऑन ईटिंग एंड पेम्फरी गोज ऑन गिविंग हिम फूड. सो ही इज़ बिकमिंग ग्रेडी टू ईट एंड ईट एंड ईट मोर. एंड पेम्फरी ने भी उसको कभी रोकने की कोशिश नहीं की. और डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा है जो पेम्फरी अभी भी मेंशन नहीं कर रही डॉक्टर के सामने ट्रिकी के बारे में. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर ने फिर पूछा कि आप खाना तो बहुत दे रहे हो वो तो है, लेकिन क्या ये प्रॉपर एक्सरसाइज करता है, दैट इज़ जो रनिंग जो डॉग्स की एक्टिविटी है, वेदर दिस डॉग इज़ डूइंग दैट एक्टिविटी और नो. वेल He has a little walk with me as you can see, but Hodking the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. अब यहाँ पर भी पेम्फरी ने बोला कि आप जिस तरह देख रहे हो ये मेरे साथ वॉक पे आता है, और जब हम गार्डन में जाते हैं वहाँ पर Hodking, that is gardener का नाम है, उस गार्डन में जो गार्डनर है वो
रिंग थ्रोइंग की एक्सरसाइज इसको करवाता था, दैट इज़ रिंग थ्रो करना, और डॉग उस रिंग को रनिंग कर कर दोबारा गार्डनर के पास लेकर आता था. सो बट नाउ अब उस गार्डनर को लंबागो था, दैट इज़ जॉइंट पेन थे, जिसकी वजह से वो अभी एक्सरसाइज नहीं करवा पा रहा था. सो नाउ दैट ट्रिकी इज़ नॉट हैविंग एनी अदर एक्सरसाइज टू डू. आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट. अब डॉक्टर ने उसको थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला कि अपने हार्ट को थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग कीजिए और इसकी डाइट पे कंट्रोल कीजिए, इसको जितना हो सके उसको एक्सरसाइज करने को दीजिए और उसके फूड को कंट्रोल में कीजिए, क्योंकि अगर आपने फूड कंट्रोल नहीं किया तो ये ज़रूर बीमार पड़ सकता है. देन डॉक्टर ने उसको अच्छे से वॉर्न कर दिया. देन मिसेस पम्फरी रंग हर हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. She set off head down along the road as if determined to put a new rhyme into practice immediately. So this is what, जिस तरह से डॉक्टर ने उसको अच्छे से समझाया तो वो समझ भी गए, और समझने के बाद पम्फरी ने बोला कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए इसका खाना कम करना, लेकिन चलो कुछ नहीं, फिर भी मैं ये करूँगी, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी. I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He has a whole wardrobe of these coats for the cold weather and the raincoat for the wet days. He struggled on, dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. एक्चुअली क्या था, मिसेस पम्फरी ने उसको ना सिर्फ प्रॉपर और वी कैन टेल ओवर फूड दिया, बट अलॉन्ग विद डैट उसको काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ भी दी जिसकी उसको कोई ज़रूरत नहीं थी. मीन्स ड्यूरिंग विंटर सीजन उसको अच्छे से अच्छा कवर अप करना, अच्छे से अच्छे मटेरियल के क्लोथ्स उसको पहनाने, एंड देन ड्यूरिंग रेनी सीजन उस डॉग के लिए अच्छे से अच्छा रेनकोट रखना, एंड देन उसको मैट्रेस पर सुलाना, उसके खाने पीने के जो भी बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, उनको अच्छे से मेंटेन करना, देन काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ थी जो एक सिंपल जो एक डॉग को पम्फरी प्रोवाइड कर रही थी. एंड दिस इज़ वॉट इट हैपन्स ना, ज़्यादा फैसिलिटीज़ अगर मिले तो ऑब्वियसली हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं. टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग ऑल्सो इट हैपन्स द सेम थिंग ना. प्रेजेंटली अगर हम देखें तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, विद इन वन क्लिक वी कैन ऑन लाइट, विद इन वन क्लिक वी कैन ऑफ फैन, विद इन वन क्लिक वी कैन ऑन टी वी, मतलब बाय सिटिंग एट वन सोफा वी कैन डू सो मैनी एक्टिविटीज़ विदाउट मूविंग अवर बॉडी एट ऑल. सो दिस विल डेफिनेटली मेक अवर बॉडी वीक एंड मेक अस इल. सो द सेम थिंग वॉज हैपनिंग टू दिस डॉग ऑल्सो. Nothing was, we can tell, no exercise, no more any exercise, but only food and good facilities being given to him. So, doctor ne unko Pemphrey ko achhe se warn kar diya. The expected call came within a few days. Mrs. Pemphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. He spent all his time laying on rug and panting, didn't want to go for walk, didn't want to do anything. Ab ye jo call kiya, that is Pemphrey ne finally Dr. Harriet ko call kiya, aur Dr. Harriet ke liye kuch hairani ki baat nahi thi, क्योंकि डॉक्टर हैरियट कहीं ना कहीं ऐसी कॉल की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, बिकॉज ही ऑलरेडी नोटेड ट्रिकीज सिचुएशन. सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग द कॉल फ्रॉम पम्फरी अबाउट सिचुएशन ऑफ ट्रिकी. नाउ व्हेन पम्फरी कॉल्ड हिम,
She informed Harriet about Tricky's condition, that he is not eating anything, he is refusing even his favorite dishes. Beside this, he is continuously doing vomit, and he is spending more and more time lying on its mattress. Then didn't want to go for walk also, वो walk पे भी नहीं जाना चाहता, वो कुछ भी नहीं करना चाहता. ये सारी बातें जब पेम्फरी ने डॉक्टर को बताई, I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. अब डॉक्टर ने बोला, मुझे ऑलरेडी पता था, आई वॉज नोइंग कि दिस इज गोइंग टू बी, सो आई हैव ऑलरेडी मेड प्लान अबाउट दिस सिचुएशन. देर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन, आई हैव टू कीप ट्रिकी अंडर ऑब्जर्वेशन इन हॉस्पिटल फॉर फोर्टनाइट, दैट इज़ ऑलमोस्ट फॉर 14-15 डेज, सो दैट हॉस्पिटलाइज रहेगा ट्रिकी. तो एज अ डॉक्टर मैं उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखूँगा, मैं उसको अच्छे से देख सकूँगा कि वट काइंड ऑफ एक्टिविटी ट्रिकी इज़ डूइंग नाउ. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वूंड. She was sure and he would pine and die if he did not see her every day. Now, poor lady was completely swooned. Swooned matlab, we can tell, became unconscious. See, होता है ना कि इतना प्यार से हम अगर किसी को रखे, वो हमसे दूर जाएगा, तो फिर ये जो डॉग है वो पेम्फरी को देखे बिना नहीं रह पाएगा. लेकिन अब डॉग की जो हेल्थ है उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग पेम्फरी को ये बात माननी पड़ी कि डॉग को अब हॉस्पिटलाइज्ड करना ही पड़ेगा, और मुझसे दूर, दैट इज़ पेम्फरी को, डॉग को अपने आप से दूर करना ही पड़ेगा. देन बट आई टुक अ फर्म लाइन, दैट इज़ फिर पेम्फरी ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it is best to take him without delay, and followed by Mrs. Pemphrey's wailing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in the blanket. अब डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि हमें पता है कि ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन Tricky की जिस तरह की हालत है उसको बचाने के लिए यही एक बेस्ट ऑप्शन है. और बिना देरी किए हुए डॉक्टर पेम्फरी की परमिशन की वेट करता है, एंड देन फाइनली डॉक्टर गोज नियर कार टू टेक दैट लिटल डॉग इन द ब्लैंकेट. पेम्फरी कार में थी, डॉग को लेकर आई हुई थी, तो पेम्फरी से डॉग को लेने के लिए हैरियट खुद कार के पास गए और उन्होंने डॉग को अपने पास लिया. सो नाउ फाइनली डॉग इज़ एडमिटेड इन हॉस्पिटल अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर हैरियट. ओके, आई विल स्टॉप हियर ओनली, जस्ट गो थ्रू दिस मच एक्सप्लेनेशन, व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन इट वाज फर्स्ट फॉर पेम्फरी, इन व्हाट वे पेम्फरी वाज ट्रीटिंग टू डॉग, एंड देन व्हाट हैपन टू डॉग विद मोर केयर एंड मोर ओवर फीडिंग एंड ऑल, एंड आफ्टर दैट व्हाट एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट प्रिपरेशन वाज डन बाय मिस्टर हैरियट टू सेव डॉग. एंड जस्ट गो थ्रू दिस मच एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, के हॉस्पिटल में क्या होता है, किस तरह से जो डॉक्टर है वो डॉग की देख रेख करते हैं, आइदर दे डू सम सर्जरी और नो, वो सब जानने के लिए वी विल कंटिन्यू विद अवर लेसन लेटर. सो प्लीज़ गो थ्रू हाउ मच आई टॉट यू नाउ. ओके एवरीवन, कंटिन्यू विद योर स्टडीज़, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय.